हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सर विद लव। मैंने ये दो जो है स्वीट पोटैटो ले लिया है, उसको हाफ मतलब दो पीस में कट करके इसको मैंने उबाल लिया है। तो ये अभी अच्छे से ये देखिए ये उबल गया है। स्वीट पोटैटो में मैं डालने के लिए ये हाफ कप मैंने एक कटोरी का मेजरमेंट लिया है, हाफ कटोरी मैंने साबूदाना लिया है। इसको मैं रोस्ट कर लेती हूँ। पहले गैस जला के पैन मैंने रख दिया है, इसी में सूखे पैन में मैं इसको रोस्ट कर लेती हूँ। इसको हल्का सा रोस्ट करूँगी, जो भी अगर नमी होगा तो नमी इसका निकल जाएगा। ये साबूदाना हमारा रोस्ट हो गया है। रोस्ट मतलब कि वही हल्का सा मैंने सेक लिया कि साबूदाना छूने में गरम गरम सा लग रहा है, इससे इसका नमी जो है निकल गया है। तो अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको इसी पैसे ठंडा होने देती हूँ। ठंडा करके मिक्सी जार में डाल के इसका मैं फाइन पाउडर बना लूँगी। स्वीट पोटैटो में थोड़े धागे से होते हैं, मगर ये जो शकरकंदी थी मोटी मोटी सी जो होती हैं उसमें ज़्यादा धागे नहीं होते हैं। धागे मतलब कि जो रेसे होते हैं, तो वो रेसे इसमें नहीं है। तो इसको मैंने ये मैश कर लिया है। मैंने ये थोड़ा सा ये अदरक कद्दूकस कर लिया है और तीन चार मैंने हरी मिर्ची ले ली है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। हाफ टी स्पून इसी में मैं साबुत जीरा डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा खट्टाई ले आने के लिए। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग मसालों को कर सकते हैं। जैसा कि हरी मिर्च मैंने इसमें डाला है, घर का कुटा हुआ ये लाल मिर्ची पाउडर है, दो पिंच में इसको डाल देती हूँ। इससे थोड़ा कलर भी अच्छा आएगा और खाने में टेस्ट बढ़ जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप व्रत में ये लाल मिर्च खाते हैं तो ही डालिएगा। और 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ। इसमें मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर और जीरा दोनों ही डाला है, दोनों का अलग अलग ही टेस्ट आएगा। ये सेंधा नमक है, क्योंकि फास्ट में खाना है इसलिए मैं सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। मैंने 1/2 नींबू ले लिया है, तो ये नींबू भी इसी में निचोड़ देती हूँ। अभी इसी में जो मैंने साबूदाना को रोस्ट करके ये पाउडर बना लिया है ये डाल देती हूँ मैं। साबूदाना का पाउडर जो बना के डाला, बाइंडिंग का भी काम करेगा और हमारी जो टिक्की होगी वो क्रिस्पी होने में भी मदद करेगा, तो 2-in-1 काम करेगा। मैंने ये धनिया पत्ती ढेर सारी काट ली है, इसको डाल देती हूँ। अभी इन सब चीज़ों को मैं मिला लेती हूँ। चीज़ों को मैं हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। हाथ से मिक्स करेंगे तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। ये हमने मैश कर लिया, सब कुछ मिक्स कर दिया है। इसको अभी ऐसे कवर कर देती हूँ और 5 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। जैसे मैंने थोड़ा सा पुदीना ले लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने मूँगफली रोस्ट करके ले लिया है, ढेर सारे धनिया पत्ती ले लिया है, साथ में ये डंठल जो होते हैं ये डंठल भी मैंने लिया है इस तरीके का, क्योंकि चटनी में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैंने थोड़ा सा अदरक ले लिया है और 2 हरी मिर्ची ले लिया है। मैंने 1/2 नींबू ले लिया है, ये नींबू इसी में मैं निचोड़ देती हूँ। ये नींबू से खट्टापन आएगा तो चटनी हमारी बहुत टेस्टी बनेगी। 1/2 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ इसी में, इसके अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ, सेंधा नमक इसमें भी मैं डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून इसी में पानी डाल रही हूँ ताकि हमारी चटनी जो है अच्छे से पिस जाए। बस अभी मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारी चटनी बन के तैयार हो गई। ये देखिए कितनी बढ़िया चटनी बनी है। अभी मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छे तरीके से जो साबूदाना मैंने पीस के डाला है वो भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो गया है। अभी मैं इसकी टिक्कियाँ बना लेती हूँ। छोटी बड़ी जैसे भी आपको बनानी हो उस तरीके से टिक्कियाँ बना सकते हो, या आप डिज़ाइन देना चाहो तो डिज़ाइन भी दे सकते हो। टिक्की कहो या कटलेट कहो, सेम ही बात है, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं कुछ इस तरीके से टिक्की बना लेती हूँ, बहुत बड़ी नहीं बनाऊँगी, बस ऐसे ही। तो ये देखिए, तो इस तरीके से हमने चिपटा कर दिया और इसको हार्ट शेप देंगे। ये देखिए, इधर ये नीचे ले आके ऐसे दबा दिया, फिर जो ये ऊपर का है यहाँ पे मैं ऐसे उंगली से ऐसे दबा दूँगी इसको मैं। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से सेट कर दीजिए। ये देखिए, ये हमारा हार्ट शेप का बन गया। तो इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ, कुछ इस तरीके से बना लिए। अभी इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। पैन रख के मैंने 2 टेबल स्पून इसमें घी डाला है। अब घी हमारा पिघल गया है, घी हमारा गर्म हो चुका है, तो जो मैंने ये टिक्कियाँ बना ली है ये इसे मैं डाल देती हूँ। जितनी टिक्कियाँ इसमें आएंगी उतनी मैं डाल दूँगी। इतनी सारी टिक्कियाँ मैंने डाल दी हैं, अभी इसको मैं एक तरफ सेक लेती हूँ। गैस को मैंने मीडियम पे किया है, तो एक तरफ ये सेक जाएगी तो मैं दूसरी तरफ उलट दूँगी। चाहे तो इस तरीके से घी को थोड़ा सा ऐसे घुमा भी सकते हो,
इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगी कि आपकी जो टिक्कियाँ हैं वो नीचे चिपक नहीं रही हैं। इस तरीके से ये देखिए सारी टिक्कियाँ हमारी एक जगह से दूसरी जगह खिसक गई हैं। इसका मतलब है कि नीचे से हमारी टिक्कियाँ चिपकी नहीं। अभी मैं इसको एक एक करके उलट देती हूँ। तो बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है टिक्कियों का। इसी तरीके से मैं एक एक करके उलट देती हूँ। मैंने सारी टिक्कियाँ उलट दी हैं और इसी तरीके से दोनों तरफ से मैं क्रिस्पी गोल्डन कलर में आने तक पका लेती हूँ। तो देखिए उलट पलट के दोनों तरफ देख लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो गई हैं हमारी टिक्कियाँ। तो इस तरीके से इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसको डीप फ्राई कर सकते हो, लेकिन डीप फ्राई में बहुत ज़्यादा तेल घी लगता है और वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने इसको शैलो फ्राई किया है। ये देखिए इस तरीके से हमारी टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं। इस तरीके से मैं अपने दूसरे बैच डाल देती हूँ इसमें। एक बार सिकने से अगर तेल या घी कम हो गया है तो आप दोबारा से घी डाल सकते हो। तो या फिर जहाँ पे ये तेल घी है इस तरीके से अगर हम घुमा देंगे तो इतने ही घी में मेरी ये चारों टिक्कियाँ भी बनके तैयार हो जाएंगी। आवाज़ सुनिए इसकी, तो ये ऊपर से इतनी क्रिस्पी है और अंदर से इस तरीके से सॉफ्ट है। तो टिक्कियों को मैं ऐसे तोड़ देती हूँ, क्योंकि चाट है, चाट में तो तोड़ते ही हैं, तोड़ के ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर तोड़ के ही हम खाएंगे, स्पून से काट काट के ही खाएंगे। इस तरीके से मैंने ये देखिए सारी टिक्कियाँ तोड़ दी हैं। अभी जैसे फास्ट के लिए बना रही हूँ तो ज़्यादा कुछ तो हम नहीं डालेंगे, मगर मैं इसमें जीरा पाउडर डाल देती हूँ हल्का सा। तीखेपन के लिए इसी में मैं लाल मिर्ची डाल रही हूँ, घर का कुटा हुआ लाल मिर्ची है, और इसी में मैंने फ्रेश ताज़ी दही ले ली है। इस तरीके से मैं दही डाल देती हूँ। जितना भी आपका मर्जी हो आप उस हिसाब से दही डाल सकते हो। हमने अभी अभी जो खाने के लिए चटनी बनाई है वो चटनी इसी पे डाल देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा मैंने ये अदरक काट लिया है, ये अदरक इस तरीके से डाल देती हूँ। ऊपर से हल्का सा मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। हरी धनिया है, हरी धनिया इस पे डाल दिया। ये हमारी फास्ट में खाने के लिए चाट बन के तैयार हो गया है। ये हमने स्वीट पोटैटो से कटलेट बना के तैयार कर लिया है। इस तरीके से आप लोग भी बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।